अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जॾहिं सुबुह जो अख़बार खोलियूं था त रोज़ानी 4 या 5 केस तव्हांखे आनर किलिंग जा, कारोकारी जा ज़रूरु नज़र ईंदा। डिस्ट्रिक्ट मुख़्तलिफ़ हूंदा, लेकिन हूंदा ज़रूरु। ऐं उनखां अलावा इहो उहो नंबर आहे जेको रिपोर्ट थिए थो, पर एतिरा केतिरा ई केस आहिनि जेके रिपोर्ट ई नथा थियनि। इन जी मतिलबु त रेशियो जेको आहे उहो इन खां वधीक आहे जेको असां ॾिसी रहिया आहियूं। इन जी वजह छा आहे? कारोकारी जी जेका रस्म आहे या जेको क्राइम आहे इहो छो वधी रहियो आहे छा? ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं असां पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं ऐं रियासत जी ॻाल्हि कयूं त आइन ऐं जेको आहे सो स्टेट तव्हांखे हर शहरी जी ज़मानत ॾिए थो, पर उन बावजूद इहे केस वधी रहिया आहिनि। ऐं इन जी वजह छा आहे? हुकूमतुनि ते कहिड़ा उपाउ वरिता आहिनि ऐं इन्हनि केसनि वधण जे पोयां ॿिया कहिड़ा सबबु आहिनि? अॼु इन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं भलीकार चवां थी, असां सां गॾु आहिनि मिस रुबीना कायमखानी, पाण एक्स मिनिस्टर आहिनि, औरतुनि वारे भलाई जो जेको खातो आहे उन जुड़ियूं आहिनि। उनखां अलावा पीपीपी सां तालुक़ु आहे, एमपीए स्टिल हींअर जेका असेंबली आहे उन में एमपीए आहिनि, ऐं औरतुनि जी लेजिस्लेशन जे हवाले सां बि पाण कमु कयो अथनि। उनखां अलावा आपा मेहताब राशदी कंहिं तारीफ़ जी मोहताज न आहिनि, एमपीए फंक्शनल लीग सां तालुक़ु रखनि थियूं, लेकिन उनखां अलावा पाण वुमेन राइट एक्टिविस्ट बि आहिनि ऐं उनखां अलावा हिकु सुठियूं तज़िया निगार ऐं लेखक बि आहिनि। आपा नूरनाज आगा एडवोकेट आहिनि ऐं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बि आहिनि। ऐं तव्हां सभिनि खे कार चवां थी, तव्हां टिन्हिनि खे ऐं तव्हां टिन्हिनि जा पंहिंजे पंहिंजे शोबे में हिकिड़ो मञियल कमु आहे, ऐं स्पेशली जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था औरतुनि जे हवाले सां तॾहिं। ऐं ऑनर क्राइम अॼु पाण जेको आहे ऑनर क्राइम ते ॻाल्हाईंदासीं, स्टार्ट वठूं था। रुबीना साहिबु, आपसे स्टार्ट लेना चाहूंगी, क्योंकि आपका पीपी से तालुक़ु बि है, आप मिनिस्ट्री में बि रही हैं और अभी एमपीए भी हैं। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ही की सेनेटर जो हैं वो सईदा इमाम ने, असगर सईदा सुगरा इमाम ने, सुगरा इमाम ने एक जो है अमेंडमेंट 2014 में सेनेट में दी थी जी, जो कि 2015 में आई थिंक पास भी हो गई, लेकिन अब वो कौमी असम्बली में पास होनी है। आफ्टर 18 अमेंडमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कानून बनाना, तो इस मद में आनर किलिंग के हवाले से आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि पीपी की गवर्नमेंट ने क्या किया है? जी बिल्कुल, इसमें ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी शेरिंग के जिस तरह से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये कोशिश रही है और हमने ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के हवाले से अगर आप हमारा पिछला दौर भी देखें उठा के, और ये जो सेनेट में भी जो बिल आया 2014 में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही एक मेंबर ने वो किया और हमने 25 से 26 के करीब जो है वो लेजिस्लेशन ख्वातीन की फलाह के लिए, और क्योंकि पहला स्टेप आपका कानून है तो उस हवाले से हमने कानून बनाए और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का भी काम किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल इश्यूज़ और ख़ास तौर पर हमारे सिंध के हवाले से ये एक बड़ा इशू बनता जा रहा है कारोकारी का और ऑनर किलिंग का, क्योंकि इसमें जो है वो ख़ानदान जो ख़ानदानों का जो रोल है और ख़ास तौर पर पेरेंट्स की का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आता है, क्योंकि जो ऑनर किलिंग की जब हम बात करते हैं तो एक शहरी ख्वाह वो लड़का हो या लड़की हो, उसको एक आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी जो है वो ज़िंदगी की के फैसले जो ख़ास तौर पर आगे उसको सारी ज़िंदगी उसमें जो है वो गुजारनी है, तो वो उसको एक ये उसका राइट होना चाहिए कि वो उसको जो है वो इस्तेमाल करे। और उसमें जिस तरह से इसके पीछे मैं समझती हूँ कि मेहताब आपा भी आपको बताएंगी कि जो ख़ास तौर पर सिंध में जो एक इशू जो बहुत ज़्यादा एक देखा गया है ऑनर किलिंग के हवाले से वो ये है कि इसमें जायदादों के हवाले से भी अगर कहीं पर जो है वो बेटियों को जायदाद देनी होती है तो वहाँ पर जो है वो ख़ानदान या ख़ानदान वाले जो है वो इस हवाले से भी जो है इस ऑनर किलिंग के को जो है वो इस्तेमाल करते हुए और एक गैरत के नाम पे कत्ल और कोई भी और होता है। जी, पीछे जो है उसके अजायम कुछ और होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को जो है वो ला करके जो है वो हमने गैरत के नाम पर जो है वो किसी भी जो है वो खासतौर पर औरतों को ही इसमें जी बिल्कुल निशाना बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर सिंध की हुकूमत खासतौर पर 18th अमेंडमेंट के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर जो है वो वुमेन कमीशन के हवाले से बात की और फिर जिस तरह से हमने और बहुत सारी लेजिस्लेशन की हैं, तो ये भी जो है इस पर भी हम जो है मजीद ये प्रोसेस में हैं चीज़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहाँ पर ख़ासतौर पर मैंने जब मेरे पास ये डिपार्टमेंट था तो हमने क्योंकि
इसमें पुलिस का एक बड़ा रोल होता है। खवातीन के जो भी इश्यूज हों, कोई भी कानून अगर आप देखें तो उसमें जो मेन रोल जो है वो उसको रोकने में इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो पुलिस का एक बड़ा जो है अथेंटिक रोल है। और उसमें हमने ट्रेनिंग्स के भी हवाले से आपने देखा होगा कि आप जो है वो जो औरत फाउंडेशन है और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर हमने एक जो है वो सेमिनार्स भी किए और उस पर ट्रेंड करने की अवेयरनेस भी जो है वो देने की कोशिश की। तो इसमें काम हो रहा है, इंशाल्लाह मजीद भी इसमें बेहतरी लाएंगे कि वो ये जो नंबर्स हैं ये जो है वो जीरो पे आए। ये बिल्कुल हम सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट होगी और इंशाल्लाह वो मैं आपसे उर्दू में भी ॻाल्हायां, इहो पुछणु चाहींदसि त सिर्फ़ 2015 जी अगरि फिगर जेके रिपोर्टिड आहिनि, जेका मूं ॻाल्हि कई त इलाही केस त रिपोर्ट नथा थियनि, उन में जेके फर्स्ट 6 महीना आहिनि जनवरी टू जून 76 माण्हू जेके आहिनि से कारोकारी जा सिंध में शिकार थिया, जंहिंमें मोस्टली जेके आहिनि से औरतूं हुयूं, 56 जेके आहिनि से औरतूं हुयूं। त इहो उहो नंबर आहे जेको रिपोर्ट थिए थो, हिकिड़ो उहो नंबर आहे जेको रिपोर्ट बि नथो थिए, मीन्स रेशियो ॾींहं ॿ ॾींहुं वधी रहियो आहे। तव्हांजे ख़्याल में असांजा इदारा जेके आहिनि ऐं असांजी हुकूमत इन में नाकाम छो वई आहे? ॾिसो, जॾहिं माशरे में जॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं ज़्यादतियूं थियनि त ॿ टे शयूं थियनि थियूं। हिकिड़ो त इंसाफ़ नथो मुहैया थिए, ॿियो इहो त जेके माण्हुनि में हिकिड़ी हवसगीरी अची वई आहे, टीं इनसेंसिटिवनेस हसासियत ख़तम थी वई आहे, ॿियो त जंहिं माशरे में औरत जो को मक़ाम ई कोन्हे। तव्हां खणी कहिड़ा बि मिसाल ॾियो त असां सिंध ते इलाही फ़ख्रु कंदा रहिया आहियूं त हिकिड़ी अमन जी धरती आहे, हिते नियाणियुनि जी ॾाढी इज़त थींदी आहे, हिते औरत जो तक़दुस बि आहे, नियाणी सत क़ुरान बि थींदी हुई कॾहिं हुनजो हुयो, ऐं नियाणी कंहिंजे दर ते वेंदी त खून बि माफ़ थी वेंदा हुया। हाणे उहा नियाणी हुनजी इज़त ऐं हुनजी ज़िंदगी सम्झो त ईअं टंगी पई आहे किथे हिकिड़े स्लेब ते। उन में पहिरीं ॻाल्हि त जेकॾहिं गैरत जे नाले में क़तल थो थिए त मूंखे त उहा गैरत ई सम्झ में कोन थी अचे त इन में गैरत जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे त तव्हां पंहिंजे घर जी हिकिड़ी औरत खे हिकिड़े अहिड़े जुर्म में मुलविस था कयो ऐं दुनिया खे था ॿुधायो त मुंहिंजी भाॼाई, मुंहिंजी भेण, मुंहिंजी धीअ या मुंहिंजी माउ फलाणे सां ग़लति कम में। हाणे इहो को शरीफ़ माण्हू त करे नथो सघे, इन करे उहा गैरत जे नाले ते उहा बेग़ैरती उन मर्द जे हिसे में थी वञे जेको कंहिं बि सबब जे करे पंहिंजे घर जी औरत खे ईअं रुसवा थो करे पियो। पहिरीं ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि जेके असां बार बार चवंदा रहिया आहियूं त कंहिंजो बि दिमाग़ ख़राब थी सघे थो, कंहिं बि शइ ते इंसान खे जोश अची सघे थो, कंहिं बि शइ ते क़तल करे सघे थो, माण्हू मानी खसींदे बि क़तल था करे छॾनि, चलो थी वियो, पर उन खे जेकॾहिं स्टेट गैरत जो ई नालो थी ॾे ऐं उनखे क़तल नथी तसवुरु करे त पोइ इहो स्टेट खे तमामु घणो थींदो कमु। त इन शइ खे पहिरीं त कहिड़े बि जोश में उन मायो मारियो माईअ खे, पर मर्डर काउंट ते मर्डर इज़ अ मर्डर। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में नूर नाज़ अॻिते हली ॿुधाईंदी त अॻु में त इनखे गैरत जे नाले में तसवुरु कयो वेंदो हो, अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं थींदियूं, पर हाणे उनखे शायदि कंसीडर कयो थो वञे त 302 में चालान कयो ऐं 164 में जेको अचे भाई चवंदो त हा पर मां गैरत में मारियो त हुनखे शायदि हिकिड़ी का मिली वेंदी हुई कंहिं क़िस्म जी का, उहा हाणे नाहे। पर ॻाल्हि इहा आहे त उहे कहिड़ा मुहरकात थियनि जिन जे करे इहो सभु कुझु थिए थो। मुहरकात में इहो ई थो थिए त कंहिंजे तव्हांजे ज़मीन जे टुकड़े ते नज़र रहे, कंहिं माण्हूअ खे जेको आहे सो तंग करिणो आहे, कंहिंखां पैसा वठणा आहिनि। त उन में हिकिड़ा ॿी जेको कमज़ोर पहलू आहे त तव्हांजे जॾहिं क़तल जे इन्हनि केसनि जो को बि फ़ैसिलो नथो अचे, हाणे जिरगनि ते ज़ोर आहे, जेके बि ग़ैर क़ानूनी करार ॾिना विया आहिनि, सखर हाई कोर्ट मुंहिंजे ख़्याल में हुनखे ग़ैर क़ानूनी करार ॾिनो आहे, उन जे बावजूद जिरगा थियनि था, उन जे बावजूद पुलिस जे इन में प्रोटेक्शन में जिरगा थियनि था, ऐं इन जे बावजूद उहे जिरगा उहे माण्हू बि कनि था जेके असेंबलियुनि में वेठा आहिनि। बिल्कुलु। सो इन्हीअ करे जेसि ताईं इन्हनि शयुनि ते हुकूमत बिल्कुलु हिकिड़ो फर्म क़िस्म जो बिल्कुलु कानून नथी आणे त क़तल जे केसनि में ख़ासि तौर ते जिरगो न कयो वेंदो, न को क़बूल कयो वेंदो, ऐं ही जेको क़तल थिए थो पियो उहो क़तल आहे, कोई गैरत वैरत जी ॻाल्हि कोन्हे, तेसि ताईं इहे शयूं ईअं थींदियूं रहंदियूं।
ऐं जेके जिरगे करण वारा आहिनि उहे बि वेहंदा पोइ हुन ते हेतिरो ॾंड, पर हुन खां वधीक जेको ख़ौफ़नाक पहलू आहे हिन जो, त जॾहिं इहा ॾे वठी ऐं इहो फ़ैसिला थियनि था पिया, छो त मर्द खे इन करे बचायो थो वञे जो जेको बची वियो उनजी ज़िंदगीअ जी सभिनी खे तलब थी थिए पई, फिकर थो थिए, ऐं उनजी फिकर सिर्फ़ मर्द जी ज़िंदगीअ जी, औरत खे त हुन निकिरो हा उन्हनि हलाए छॾियो, हाणे जॾहिं इनखे मारींदासीं तॾहिं मर्द खे पकड़बो न, पोइ उनखे बचाइण जे लाइ माउ पीउ बि अॻियां ईंदा, पोइ ख़ानदान अॻियां ईंदो, पोइ जिरगा थींदा, पर उन में जेको सभिनी खां अफ़सोसनाक शइ आहे त वरी संग चटीअ में या इन्हनि मामलनि में वरी छोकिरी बि घुरिजे थी पई, त असांखे छोकिरी बि ॾियो, हाणे उहा छोकिरी जेका हिकिड़े दुश्मन जे घर में थी वञे उहा छा ट्रीटमेंट हूंदी हुनजी, त को हिकिड़ी औरत जी ज़िंदगी जी ॻाल्हि कोन्हे, उन मासूम ॿी औरत जी बि ज़िंदगी जी ॻाल्हि आहे जेका हिन ॾे वठ में वरी ॿिए घर में थी वञे, उहा नंढड़ी ॿारड़ी बि थी सघे थी, उहा हिकिड़ी नंढड़ी छोकिरी बि थी सघे थी पई, ऐं ख़ासि तौर ते अणपढ़ियल छोकिरी हूंदी जंहिंखे तव्हां वरी उन जे लाइ ॾेई ऐं हिकिड़े मर्द जी ज़िंदगी था बचायो, सो इहे सभु पहलू आहिनि ऐं तमामु हिकिड़ी तशवीशनाक ॻाल्हि आहे जंहिंमें असांजो माशिरो अॼु तमामु घणो मुब्तला आहे। बिल्कुलु आपा बि आहिनि, पाण कानूनदान बि आहिनि, बींग अ लॉयर, हिकिड़ो त पाण वटि पी पी सी जो कानून आहे, ठीकु आहे, उनखां अलावा 2004 में हिकिड़ी अमेंडमेंट बि आई हुई त इनखे आनर किलिंग जे हवाले सां, ऐं तव्हांखां पुछणु चाहींदसि त बींग अ लॉयर एडवोकेट, अवां छा था सम्झो त कहिड़े हंधि जेका आहे कहिड़े असांजे कानून में खामी आहे ऐं किथे जेका आहे इम्प्रूवमेंट जी ज़रूरत आहे जो असां इन स्पेशली पर्टिकुलर अगरि ॻाल्हि कयूं त आनर किलिंग खे कीअं जेको आहे सो करे सघिजे थो। ॾिसो, आनर किलिंग पहिरीं त पैशंस ते हूंदो हुयो ऐं हुन में इहो थींदो सडन प्रोवोकेशन थियो, हुन मारे छॾियो पंहिंजी घरवारी खे, भेण खे, धीउ खे, नियाणी खे, कंहिंखे बि, माउ खे, नानी, ॾाॾी खे, कंहिंखे बि मारे छॾियो, त भई उहो सडन प्रोवोकेशन थियो, असां हुनखे ग़लति हालति में ॾिसो हुन मारे छॾियो, त हुनखे उहो कंसेशन वेंदो हुयो, पर हुन खां पोइ हिकिड़ी अमेंडमेंट आई जंहिंमें हुनखे फुल फ्लेजेड मर्डर जो हिसो करार ॾिनो वियो, 2014 वारी, जी जी एग्ज़ैक्ट, न न 2004 जी, हुन में हुनखे फुल फ्लेजेड मर्डर जो करार ॾिनो वियो, पर मर्डर करार ॾियण सां गॾोगॾु हिकिड़ी जेका हुन में खामी आहे उहो आहे किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस। किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस माना हुनखे माफ़ी पंहिंजे को बि वारिस जेको आहे हिकिड़ो क़तल करे ऐं ॿियो माफ़ करे छॾींदो, ॿियो छा हुन जा जेका मरण वारी जा हेरिटेंस में जेका बि ईंदा, विरासत में जेका बि ईंदा, उहे सभु हुनखे माफ़ करे सघनि था। जॾहिं माफ़ करे सघनि था, त किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस इज़ अ हिकिड़ो हथियार आहे मर्दनि जे हथनि में, त उहो मारे हुन सां माफ़ थी था वञनि, माना हिकिड़ो मारे थो त ॿिया माफ़ करे था छॾनि, त भई नियाणी त वई असांजो पुटु बि हलियो वेंदो, त इहे जेका हिकिड़ी तमामु घणी हिन में जेका आहे जंहिंजे करे औरतूं मारिजूं थी वञनि, मर्द पैसा ॾेई छुटी था वञनि, पैसा ॾेई छुटी था वञनि, या माफ़ी वठी था छॾनि, इनहेरेंट जेका बि इनहेरिटेंस में अचनि था उहो माफ़ करे था छॾनि। हिकिड़ी वॾी जेका हिन में मुंहिंजो प्रपोज़ल इहा आहे त जीअं चोरीअ में ऐं ॿियनि केसनि में जेको आहे माफ़ी आहे ऐं माफ़ी न आहे, उहो रियासत जे ख़िलाफ़ ॾोहो आहे, क्राइम अगेंस्ट स्टेट आहे, हिन तरह ऑनर किलिंग खे बि अगरि क्राइम अगेंस्ट स्टेट करे छॾनि ऐं हिन में किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस जो जेको रोल आहे उहो ख़तमु थी वञे, त मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो। जॾहिं क़ातिल खे सज़ा ईंदी ऐं माफ़ी न मिलंदी, त पोइ इहे रेशो घटि थी सघे थो। तव्हां अगरि पुराणी हिस्ट्री खणी ॾिसो, सॉरी इनखे हिते जारी रखंदासीं, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अपा तव्हां चयो पिए त कसास दियत खां अलावा ॿी पॉइंटनि में तव्हां ॿुधाई पइजे, ॿी पॉइंट इहो हुई त हिन में जेको आहे अगरि हिनखे रियासत जे ख़िलाफ़ु ॾोह करार ॾिनो वञे, जीअं चोरी रियासत जे ख़िलाफ़ु ॾोहो आहे, या ॿिया जेका बि मोरल क्राइम आहिनि उहे रियासत जे ख़िलाफ़ु ॾोहो आहिनि, त एतिरो वॾो जेको क्राइम आहे जंहिंमें इंसान ज़ात खे मारे था छॾनि, हिकिड़ी औरत खे मारे था छॾनि, हुन में छो नथो थिए, हुनखे रियासत जे ख़िलाफ़ु छो करार ॾिनो वञे, ऐं इहे जेको आहे वुर्सा खे छो ॾिनो थो वञे, त हिकिड़े वारिस आहे उहो जेको आहे हुनखे जेको आहे माफ़ु करे छॾे, हिकिड़े क़ातिल खे
माना तहां जे नजर में औरत जात जी का भी हैसियत ना है। माना तहां सत कुरान न्याणी के समझो था ऐ सत कुरान कत्ल कयो था नाउज़ुबिल्ला। तो ये जेका असां जी सोच आहे त हिन में माइंडसेट हिकड़ो तो चेंज करण जी जरूरत आहे, एजुकेशन ऐं लिटरेसी जी जरूरत आहे, बी जेका आहे कानून खे चेंज करण जी ऐं हुन खे इम्प्लीमेंट करण की जरूरत है। रुबिया साहब, पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से मतलब काफी सालों से जो है वो गवर्नमेंट में रही है, और आपके पास मतलब मैं अगर पर्टिकुलरली आपकी बात करूं तो आपके पास मिनिस्ट्री भी रही है औरतों के हवाले से। मैंने ये देखा है कि कानून बन जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बन गया, चाइल्ड मैरिज जो है वो कानून बन गया, लेकिन उसके बाद इवन सेकेंड इम्प्लीमेंट तो दूर की बात, लेकिन सेकेंड लेजिस्लेशन जो उसकी होनी थी, जैसे आर ओ बीज है, रूल ऑफ बिजनेस बनने थे, विदाउट रूल ऑफ बिजनेस वो किसी काम के नहीं है, कि मतलब किस ढांचे पे किस उस पे वो काम करेंगे, वो नहीं बन सके। तो आपके ख्याल में मतलब ये कहाँ पे किसकी कोताही है कि अब तक ये क्यों नहीं हो सका? बिल्कुल, जब मेरे पास ये डिपार्टमेंट था और ख़ासतौर पर मेरी कोशिश थी कि जितनी जल्दी जो है चीज़ों को एक्सपेडाइट किया जाए, और अगर एक काम ख़ासतौर पर कानून की शक्ल में भी चीज़ें आ जाएं, प्लस जो है वो बल्कि जब जब मेरे पास डिपार्टमेंट था तो आपको याद होगा कि हम जो है पैरेलल उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम कर रहे थे, और उस वक्त हमने शुरू कर दी थी जब चाइल्ड मैरिज बिल जब बना तो उसके ऊपर एक अवेयरनेस कम्पेन हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो थर से शुरू की, और वो काफ़ी सारी जगहों पे मेरे ख्याल से अब मुझे पता चला कि सेक्रेटरी साहब से जब उस दो महीने पहले तक तो उस पर काम हो रहा था, और आई थिंक अब थोड़ा सा वो स्लो हो गया है। और जो है वो दूसरा मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल जिस तरह से वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर हम बात करते हैं या जो है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो ओम्बड्समेंस जो है वो अपने काम कर रहे हैं, और पहले जहाँ पर 35 जो है वो कमेटीज़ बनाई थी, अब वो 200 से ऊपर हो गई हैं और इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर हो रही है, और कल ही जो है इसके ऊपर एक अवेयरनेस कम्पेन के हवाले से इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो जाके जो है वो हाँ, लेकिन इसमें एक इश्यू जो मेन था ना वो ये था कि अवेयरनेस या इम्प्लीमेंट तब होगा जब जो हम मतलब मेरी बात हुई इस हवाले से लोगों से भी, और मुख्तलिफ जैसे स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस है या जुडिशरी है, जो उनका यही कहना था कि अगर मतलब रूल ऑफ बिजनेस नहीं बनेंगे तो इम्प्लीमेंट किस तरह होगा। और सोचें डोमेस्टिक वायलेंस आया है 2011 में, चाइल्ड मैरिज आपका पास हुआ है 2014 में, ठीक है 13 में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 2000 जो है 16 स्टार्ट हुआ है, तो इतने दिन अगर इतने साल और इतने महीने अगर सिर्फ आर ओ बीज, और अभी भी मैंने जो अपडेट पूछा है उसका तो वो स्टिल जो है कहा जाता है कि वो सीएम साहब के पास हैं अप्रूव होने के लिए। फिर आप ही की एक नुमाइंदा थी जिनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी वो बिलावल साहब के पास हैं अप्रूवल के लिए, तो मुझे समझ नहीं आया कि एक तो बिलावल साहब का इनसे कंसर्न नहीं है, मतलब दूसरी बात ये है कि अगर किसी का भी कंसर्न है, चले सीएम साहब का है या किसी का भी है, लेकिन इतने साल अगर हम सिर्फ उसके आरओबीज नहीं बना सके तो आगे हम इस पे किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल, ये लैकिंग है आई थिंक, मेरे ख्याल से ये डिपार्टमेंट साइड पे है कि जहाँ पे बहुत सारी हर्डल्स आती थी हम लोगों को, जब हम मैं खुद भी मिनिस्टर थी और ब्यूरोक्रेसी साइड पे, और आप लोग भी हमें विजिट करते थे जी बिल्कुल, और आपको पता है कि जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीजों में लैकिंग तो है और वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक मेरे ख्याल से ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं समझती हूँ कि इसको एक्सपेडाइट होना चाहिए। और रही बात जो है वो चेयरमैन साहब की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, तो उनके हेड पे आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी चीज को वो अप्रूव करेंगे, क्योंकि ज्यादा में ज्यादा अगर है भी तो सीएम साहब ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक मेरे ख्याल से वो सीएम या डिपार्टमेंट में होंगे या सीएम हाउस में होंगे, तो वो इन दोनों जगहों में से कहीं पे होंगे, अदरवाइज जो है वो चेयरमैन साहब को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं या कोई बात उनके हवाले से, तो वो इसमें नहीं कोई हर्डल है। अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों को एक्सपेडाइट होना चाहिए, और उसके बाद क्योंकि जब एक कानून पे हम सबकी एक बड़ी एक स्ट्रगल रही है और एक उसके ऊपर वो मैन पार्लियामेंटेरियन की तरफ से जो रिजिस्ट आता है, और फिर आपस में ही हम सबके जो इश्यूज होते हैं, और फिर एक जब कानून बेशक उसमें
तीस तीस साल भी लग जाते हैं, लेकिन ये एक सिंध हुकूमत का या सिंध में बैठी अपोजिशन साइड पे हो या ट्रेजरी बेंचेस पे हो, दोनों का मैं समझती हूँ इसमें क्रेडिट होता है। और हमने कंसेंसस बिल्ड करके जो है वो कोई भी लेजिस्लेशन किए, तो वो सारी चीजें हुई हैं, तो फिर उनका जो रूल्स इन बिजनेसेस और वो जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी डिपार्टमेंट नहीं है। सो उस वक्त हमने कोशिश की थी कि हम एक्सपेडाइट करें चीज़ों को जल्दी जल्दी, जो भी चीज़ें मतलब हो सकें, और इसमें हम पैरेलल उस पर भी जा रहे थे आप के अवेयरनेस के हवाले से भी और पुलिस को भी इन्वॉल्व कर रहे थे, तो ये काम हो रहा था। लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि ये जो है वो इसको मजीद एक्सपेडाइट किया जाएगा, और इसको मैं भी और अपने तौर पे भी इंडिविजुअल उसमें भी अगर कोई भी, क्योंकि कानून पास करना तो वहाँ पे यस और नो होता है, वो इजी होता है, फिर भी देखा जाए तो उस पर इम्प्लीमेंट और सेकंड लेजिस्लेशन ही मेन चीज होती है अगर विल है और करना चाहें तो। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 ठाहियो, त हुन में बि लेकिंग आहे, हुन में लेकूनाज़ आहिनि, हुन में जीअं हुननि 18 ईयर्स त चाइल्ड मैरिज जी एक्ट करे छॾी आहे, चाइल्ड माना वॾो थियो ऐं हुन में सज़ाऊं बि रखी छॾियूं आहिनि, पर हुन में छा कयो आहे त पुराणे लॉ खे जेको आहे इम्प्लीमेंट करे छॾियो आहे, त उहो जेको पुराणो लेजिस्लेशन हुई या केस मेड लॉज़ आहिनि देट्स आर अप्लीकेबल छोकिरी जो आमना जो इम्पेडिमेंट वॾा जेका आहे साम्हूं असांखे आया, तो हिन करे जॾहिं लेजिस्लेशन थिए त हुन में जेको आहे हिननि शयुनि खे जेको आहे नज़रअंदाज़ न करणु खपे, त हिन जो अहिड़ी लेजिस्लेशन जो को फ़ाइदो कोन्हे जेका इम्प्लीमेंट नथी थी सघे प्रॉपरली। सही, बिल्कुल नहीं। इसमें जो चाइल्ड मैरिज बिल जब हम तैयार कर रहे थे और मेहता पापा भी हमारे साथ थी और हमने तमाम सिविल सोसाइटी को भी उसमें कुछ जजेस भी थे मेरा जी, बिल्कुल उसमें जो है वो शायद उस्मानी साहब भी थे, पूरा ड्राफ्ट लिखा, एक ड्राफ्ट जो है वो उनके सामने और वो एक कंसेंसस के साथ जो है आया था, और पूरे जो खवातीन बैठी हुई है पार्लियामेंट में इस वक्त अपोजिशन साइड से हों का वो ट्रेजरी की या सिविल सोसाइटी के जो भी जितनी एक्टिविस्ट हैं उनका उनका भी एक बड़ा रोल है इस ड्राफ्ट को तैयार करने में, तो वो एक पूरा एक बड़ा उसको छानबीन के आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों ने और एक एक चीज पे डिस्कस हुआ, अगर इन्होंने ये केस आमना वाला डील किया था उसको उसको फिर हम देख सकते हैं, अमेंडमेंट लाना चाहिए, अगर लकुना है तो इसकी अमेंडमेंट हो सकती है, उसमें अमेंडमेंट लानी चाहिए, इसीलिए मैं उसको हम दोबारा से आप लोगों की करा रहा हूं कि वो पर्टिकुलर जहां पुराने के असला को उन्होंने उसमें ऐड किया है कि वो उसमें वो हो सकता है इस्तेमाल, तो वो अगर उसको वहां से डिलीट कर दिया जाए तो फिर मसला हल हो जाए। सही सही, ये हाँ ये बेहतर है, और मेहता बापा और बहुत अच्छी हुई है बात, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह की चीज है तो हम एक तरमीम डिस्कस करके उसको एक अमेंडमेंट ले आएंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट साइड पे जो है वो बुधाएंगे ना शाम के तक, प्लीज डू दैट, बिल्कुल जरूर। आई आप मेहता बापा इन एकड़ी गाल आऊं ताका यू पिछन बीइंग अ तजिया नगर तवा एमपीए त आयो, लेकिन ता जो एकड़ो सुठो मतलब एकड़ो रोल रहयो आ तजिए में लिखण में इन में हिकड़ी साइड त इहा आहे जेका असां डिस्कस कई त कानून न आहिनि ऐं जेके आहिनि उन्हनि में लेकुनाज़ आहिनि या उन्हनि जी इम्प्लीमेंटेशन न आहे, लेकिन इन खां अलावा तव्हां छा था सम्झो त असांजी सोसाइटी जेका आहे इन तरफ़ मतिलबु इन में इन जेको ॿियो बि कारण आहे जीअं ऐं मतिलबु मुंहिंजी जेका नॉलेज आहे तव्हां मूंखां वधीक सम्झो था, त मूंखे ईअं लॻंदो आहे त शायदि इन जो हिकिड़ो कारण पॉवर्टी बि आहे, गुरबत बि आहे, मतिलबु कारोकारी जो हिकड़ी साइड अगर डिठी वञे त जीअं मतिलबु पॉवर्टी सां मुरादी आहे, त हिकिड़ो केस मूं जेको आहे सो ॿुधो हो मतिलबु अमर सिंधु वारनि ऐं ॿियनि माण्हुनि सां डिस्कस बि कयो हो, जेके बाबा जी साइड जा हिकिड़ो केस हो, त उन में पैसा मतिलबु उहो ई ॻाल्हि त पैसा इन्वॉल्व त हुजनि, जीअं मिसाली ॻाल्हि छोकिरी खे कंहिं कारी करे मारे छॾियो ऐं उनजे छोकिरे वारी बि जीअं ॻाल्हि हुई त उनखां पोइ इहो हूंदो आहे त उन में पैसा इन्वॉल्व थींदा आहिनि, त अगरि तव्हां हिन केस तां हथु खणो था त तव्हांखे पैसा मिली था वञनि या छा, त इहो हिकिड़ो इहो पासो बि आहे। ॿियो पासो इहो आहे त जेके तव्हां वारी ॻाल्हि त जेको मर्द खे ॿिए जेको बचो आहे उनजी हयाती बचाइण लाइ बि पैसा इन्वॉल्व हूंदा आहिनि,
त हिकड़े तरीके से ठो वे तो बिजनेस है, मतलब पुलिस के भी उतने पैसा मिलना है, उतो वडेरो उनके भी पैसा मिलना है, जो मू मारे तो गरीब आ या जो भी उनके भी पैसा मिलन था। तुम तज्जियो तो चे इन इनजा कानून का अलावा हटी कर बया कड़ा कारण है? इन जहाँ कारण जो तुम बुधा था पॉवर्टी एतरी गुर्बत जे करे पंजे घर में एडो कोहराम मचाण पॉवर्टी के खत्म तो कोन थो करे, ऑन द कॉन्ट्री बया भी घना इशूज उन गड अची सकन था। जरूरी ना है तो यो मामलो इत ही निबिरजी वे, यो मामलो खानदानन जी दुश्मनी ते हलंदो भी रही सके तो पयो। अगर ताई नजर में वो केस गुजरियो जे में छोकरे के मोटरसाइकिल वठनी हुई तो उन पी के उन चयो मके मोटरसाइकिल खपे तो उन चयो एकड़ो ही हल तई मां के मारी ने त जको सो पैसा मिल हाँ उन यो चयो हुन करे दिनो हुन करे दिनो हाने माना त इहा शे इतरी आम आ त तमा के इंसान जी जिंदगी वठो ए तमा वनी मोटरसाइकिल वठी जो वो सुभाने वो छोकरो चंदो हाने मके गाड़ी थी कार थी खपे वरी बे के मारिंदो। सो दिस कुड बी वन ऑफ सच इवेंट्स, पर एतरो वन मुझे ख्याल में सिर्फ इहो सबब गुर्बत सबब न थो थी सके या मानुन जो ख्वाहिशन जे करे तो फलानी शे थी ते पी थी सके तो तंज में चयो हो जे ठीक है ना पी थी सके तो अब मुझे मुखे तो मुझे तो दे तो पर जो वणे सो करिए चवंदो आ मानु इने मतलब यो थोड़ी आ त ता उने के ते वे अमल कयो। पर गाल या है त जिते तमा जो कानून कमजोर आ, जिते इंसाफ जी का हैसियत तो हकीकत कोने, जिते पैसो जो को आ सो के फर्द का मथे थी तो जी दो उते उते तमा के ये सब किस्सा मिलंदा। वह बदकिस्मती आ तो इतने उन शिकार औरत हर तरह से, पर तुम दिसो तो बया भी जे खानदानी जेड़ा था थन जैसे में अठ मू मरी वह पंद्रह मू मरी वह उन्हें जैसे जिरगा था थन पा तो करोड़न में डंड था पवन करोड़न में ते केडी मले त मानु यो तो सोचे त बाबा यो वडो बिजनेस बला यो मानु किथा रिंदो। हां हालत उनन जी दिसो त जडी जर्गन में च वेहन था त गोड पाए था अचन। हां इने गुर्बत जो आलम यो आ त मुझे ख्याल में को उनन जा 7-8 नस्ल जे के से भोगिंदा हुंदा, किथा कर्ज खणंदा, किथा ये उनन जा ये भुंग अदा कंदा या पंजो डंड दींदा जडी वंजी उनन जी जान बख्शी थींदी। त ये सब शयो कोनन मां समझाती कमजोरी जेका है एकड़ी त माशरे में या जेका कड़ी बेहसी अची वही आ है औरत जी का ताजी में तकरीम कोने स्टेटस ही कोने कोने को त ए उन का अलावा कानून जड़ी पांजी जाय न थो वठे पयो त जाहिर है उन्हें इजी कोने कहे न कहे किस्म जो एकड़ो मौको मिली तो वने उन मा फायदे वठन जो। नाज़रीन टाइम थियो ब्रेक जो। वेलकम बैक नाज़रीन। आप तको सो वकील तो गड़ आयो ही आयो, लेकिन गड़ तुम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी आयो। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या जो इंसानी हकन जहाँ इदारा या जो एन जी ओज या जो तंजीमों जिन से तुम पावला से भी तुम तालुक आई उन्होंने रोल होने घुर्जे इन के जो इन क्राइम के घटाने में हिं तीन उन मुहिम का कैंपेन का अड़ी स्ट्रेटजी इन फ्यूचर इन के रोके सकें? ॾिसो असां तो आई एम वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एच आर सी पी आल्सो एंड प्रेसिडेंट पावला, तो उन हिसाब से तो असां घणो कम कयो आहे। जेका अवेयरनेस ह्यूमन राइट अवेयरनेस जेका तव्हां चई सघो था वो हाणे त इहा हाल आहे त जॾहिं असां लाड़काणे जेका बाद ॿियनि हंधनि ते वेंदा हुआ त हिकिड़ी छोकिरी बि जेको आहे प्रोग्रामनि में न हूंदी हुई तरबियत, हाणे अध खां वधीक जेका भरियल हूंदा आहिनि तो लीगल अवेयरनेस त आहे। नंढे नंढे गोठन में असां विया आहियूं, छोकिरी पोस्ट ग्रेजुएट वेठियूं आहिनि, तो तब्दीली त आहे पर हुन तब्दीलीअ सां गॾु माइंड सेट चेंज थियणु तमामु ज़रूरी आहे। त हिकिड़ी त एजुकेशन जेका नॉर्मल एजुकेशन आहे उहो माण्हू खे मिले पई, ऐं हुन में अहिड़ी एजुकेशन ॾिठी आहे त अकबर अलाहाबादी जो हिकिड़ो शहर हुयो जंहिंमें औरत खे तज़लील ॾेखारी हुई, औरत खे कमतर ॾेखारियो वियो, त जॾहिं अहिड़ी एजुकेशन तव्हां ॿारनि खे पढ़ाईंदव त हुनजो माइंड सेट वॾो थी छा थींदो। तो जेसि ताईं तव्हां ॿारनि खे इहे न पढ़ाईंदव त इहे छोकिरी आहे, इहे छोकिरो आहे, इहे बराबरि आहिनि, हिननि जा हिकु जहिड़ा हक़ आहिनि, ऐं नंढी उमिरि खां वठी इहे उन्हनि खे न सेखारींदव मुंहिंजे ख़्याल में, ऐं उहो जेको ॾिसंदा त मुंहिंजो पीउ जेको आहे मुंहिंजी माउ खे मारींदो हुयो, मुंहिंजो मुंहिंजी भेण खे हुनखे घरवारो मारींदो हुओ, मुंहिंजे वॾे भाउ खे मुंहिंजी वॾो भाउ मुंहिंजी भाजाई खे मारींदो हुयो, त हुनजो माइंड सेट उहो ई थींदो जेको उहो ॾिसी आयो हूंदो पंहिंजे वॾनि सां। तो नेचुरली हिकिड़ी माइंड सेट जी तब्दीली ज़रूरत आहे। एन जी ओज आर डूइंग द सेम थिंग, मतिलबु उहो नंढे इलाइक़नि में ई वञनि थियूं, असां मूंखे ख़बर आहे त असां एतिरे नंढे नंढे ॻोठनि में बि विया आहियूं,
माननि सां ॻाल्हातो आहे। मूं पंहिंजे केसनि मुंहिंजी अखियुनि सां जेको आहे ऑनर किलिंग जा केसिस औरतनि ऐं मर्दनि खे मुअल ॾिठो आहे। हिन ई ख़ौफ़नाक क़िस्म जी रस्मनि ऐं किनियूं रस्मनि नाम नहाद निहाद गैरत जे नाले ते, ऐं नाम निहाद ई चवंदमि छाकाणि त न को मज़हब चए थो न को ॿियो कुझु चए थो। उहो त बराबरि जा हक़ ॾियनि था औरत ऐं मर्द खे बि, ऐं एजुकेशन में बि बराबरि जा हक़ आहिनि, शादी जे लाइ बि बराबरि जा हक़ आहिनि। त छोकिरी जी मर्ज़ी जे बिना जेको आहे उनजी शादी नथी थी सघे। असांजो मज़हब त एसि ताईं आहे। त पोइ इहे सभु कुझु छा आहे, मतिलबु ज़ाती मक़सदु आहिनि। ऐं हिकिड़ी कारी, हिकिड़ी त अलॻि छोकिरी खे कारी करणु ॿी ॻाल्हि आहे। हुनजो को मक़ाम न हूंदो हुनखे अलाए, न मक़ाम जाइ ते पूरींदा, पोइ ॻाढ़ी छोकिरी थींदी। हिकिड़ी छोकिरी ॻाढ़ी आहे, उहो पोइ वॾेरे वटि वेंदी, पोइ हुनखे विकिणंदो दुश्मननि खे। वॉट इज़ दिस ऑल नॉनसेंस? त छा आहे हिनखे असां छा सम्झूं? हिकिड़े पासे तव्हां अदी बि चयो त सत क़ुरान सॾींदा आहियो छोकिरी खे ऐं नियाणी खे, ऐं सत क़ुरान खे तव्हां शहीद बि करे था छॾियो पंहिंजे ज़ाती मक़ासिद जे लाइ, नाम नाहद गैरत ऐं पंहिंजे ज़ाती मसलनि ते। त असुल ॻाल्हि हिन में मीडिया कैन प्ले अ वेरी गुड रोल। असां जेका कंदा आहियूं, असां वटि मुख़्तलिफ़ मूवियूं जेका आहे असां ठाहींदा आहियूं ऐं ठहियल आहिनि वीडियोस, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते ड्रामा ठहियल आहिनि, easy to understand. त उहो जेको आहे असां माण्हुनि जे नंढे नंढे इलाइक़नि में वञी उहो ॾेखारींदा आहियूं। पोइ हुननि सां, औरतनि सां या जेका बि हूंदा आहिनि हुते पार्टिसिपेंट, उहो असां सां सवाल कंदा आहिनि। पोइ ईअं बि असां लीगल अवेयरनेस ॾींदा आहियूं। उहो ई असां मुख़्तलिफ़ चैनल्स खे बि कई मतिलबु हली चुका आहिनि उहो ड्रामा, जंहिंजे करे हीअं तलाक जो इशू आहे, ऑनर किलिंग जो इशू आहे, या ॿिया जेका विरासत जो इशू आहे, या डिफरेंट इशूज़ आहिनि, जेका ज़िना जो इशू हुयो हुन ते ठहियल, डिफरेंट इशूज़ ते असां ड्रामा ठाहे, हिन में बि असां लीगल अवेयरनेस माण्हुनि खे ॾियूं था। रुबीना साहिबा, वैसे गवर्नमेंट का एक रोल ये भी होना चाहिए कि एक तो मतलब एक तो कानून साजी एक तरीके से ये, लेकिन जो दूसरे इदारे हैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, या उसके अलावा आपकी जुडिशरी है, आपके मेडिको लीगल्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो कि इन क्राइम में मतलब जिन जैसे पुलिस है उसका मेन रोल है इस क्राइम को रोकने के लिए। मेरी बात हुई थी ऑनर किलिंग के हवाले से, एक कैंपेन चलाई है हैदराबाद से वुमेन एक्शन फोरम ने, उनसे जब मैंने डिस्कस किया इसी इशू पे, उन्होंने कहा कि एक केस हुआ था जामशोरों में ही, लड़की को अपने बाप ने ही मारा था। खुद DIG दो दफ़ा चल के थाने पे गए हैं उस केस को फॉलो अप करने के लिए, उसके बावजूद अभी तक जो मेन अक्यूज है उसका फादर, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि FIR जो है वो गलत कटी थी। तो आपके ख्याल में कि गवर्नमेंट का एक किरदार ये भी होना चाहिए कि ये जो उनके अंडर इदारे काम करते हैं उनके उनकी मॉनिटरिंग, और वो किस तरह काम कर रहे हैं, और किस मतलब उनके लिए भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जो इस क्राइम को रोक सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से ख़वातीन के हवाले से जो भी लेजिस्लेशन है, जिस तरह से मैंने कहा कि और जो उनके साथ जो जो उनके दूसरे जो जो लिंक डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मजबूत होनी चाहिए, और उस पर जिस तरह से एक जो प्रोविंशियल वुमेन कमीशन जो हमने बनाने की बात की है, और वो मैं ही वो उस बिल को भी लेकर आई थी, जिस तरह से हमने फेडरल लेवल पे बनाया ख्वातीन के हवाले, तो वो एक वो ओवरसाइट करता है और वो फैसिलिटेट करता है तमाम उन इदारों को, और ख़ासतौर पर वुमेन डेवलपमेंट को, और दूसरे इदारों को जो उसके साथ खास जिस तरह से पुलिस का एक जिस तरह से मैंने कहा कि बड़ा रोल है, और जुडिशरी का, और वो सब एक एक मजबूत जो है वो कोऑर्डिनेशन की सूरत में वो काम करें, तभी कोई रिजल्ट जो है वो सामने आ सकेगा। और जिस तरह से मैं ये कहूंगी कि वुमेन डेवलपमेंट का भी इदारा काफी सारी चीजों पे, और बहुत सारे जो है वो केसेस को हमने सॉर्ट आउट भी किया है, जो खासतौर पर इस तरह के जो है वो केसेस होते हैं, क्राइसिस सेंटर जो है वो हमारे उनको लीगल एड भी जो है उन बच्चियों को, खासतौर पर जो अगर पेरेंट्स अगर उनको कहीं पे मतलब कहीं पे कोई भी इशू होता है किसी भी हवाले से, जिस तरह से गैरत के नाम पे उनको कोई धमकियां मिलती हैं बच्चियों को, या किसी हवाले से जो है वो मारपीट करके जो है वो घरों से ख्वातीन को बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो क्राइसिस सेंटर उनको शेल्टर भी फ्राहम करते हैं, और प्लस जो है वो एक
जो है लीगल एड के तौर पे जो है उनकी मामलत भी करते हैं और बहुत सारे केसेस। ये क्राइसिस सेंटर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है? सभी डिस्ट्रिक्ट्स में तो नहीं है इस वक्त, लेकिन हमने मजीद इनको बढ़ाया था खासतौर पर मीरपुर खास में और जो है वो सांगड़ साइड पे। तो आर दे वर्किंग कंडीशन? आई मीन जहाँ तक मुझे पता है कि कराची के अलावा मतलब दूसरे इतने वो फंक्शन नहीं है। हैदराबाद में जो है बहुत अच्छा मैं समझती हूँ कि काम कर रहा है क्राइसिस सेंटर और वहाँ पे बड़े 3,000 के करीब, 3 से 4,000 के करीब जो है वो केसेस को सॉल्व भी किया गया है। तो वो चीजें हैं जो मैं समझती हूँ, उनको ये नहीं मैं कहती कि 100% चीजें हुई हैं या हो गई हैं और रिजल्ट आ रहा है उनका, लेकिन जो है वो बेहतरी की तरफ है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं और मजीद अगर मैं समझती हूँ कि आके हम ख्वातीन अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं तो मिलके इंशाल्लाह एक ज्वाइंट एफर्ट के तौर पर ख्वातीन के इश्यूज के हवाले से उसके ऊपर मजीद काम करेंगे। लेकिन इसमें जो है वो वुमेन कमीशन का, जो प्रोविंशियल वुमेन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होगा और आई थिंक इसमें कमेटीज बननी है और वो एक जो है चेयरपर्सन का जो इसमें मुंतखब होना है, और अगर कोई खातून अच्छी उसमें चेयरपर्सन मैं समझती हूँ जो वो वुमेन एक्टिविस्ट की तरफ से आए या किसी भी मतलब हवाले से अगर कोई जिनका एक एक्सपीरियंस हो उसमें, ये भी जो है क्राइटेरिया में रखा गया है कि जो खवातीन के हवाले से 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस होगा वो खातून जो है वो उसकी चेयरपर्सन आई थिंक मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। बट इट्स अगेन डिपेंड ऑन कमीशन कमेटी और इसकी लेजिस्लेशन। काम तो नो डाउट होने वाला है, बहुत सारा होने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही ये सारी चीजें हुई है, जहाँ कानून बने हैं वहां पे इम्प्लीमेंटेशन भी इंशाल्लाह शुरू होगा और हमारी कोशिश है कि जहाँ हमने नेक नियति के साथ अगर कोई चीज लेजिस्लेशन की है तो हमारा आगे स्टेप भी जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो नेक नियति के साथ। आपा अभी हियर तां बुधो हों त शर्मीन उबैद चुनाई जी ऑनर किलिंग जी हवाले सा एकड़ी डॉक्यूमेंट्री आ अ गर्ल इन द रिवर जे नाले सा, वो ऑस्कर जे ला नामजद भी थी आ ऐ उन खान डॉक्यूमेंट्री का मुतासिर थी। असन वजीर आजम साहब चयो आ त हु जल्द ही एकड़ो जेको आ सो एड़ो कानून मुल्क जेल में पास कंदा ऑनर किलिंग जी हवाले सा। त आऊं ता का पुछण चाया त छा अन्या जरूरत आ पण पीपीसी आ अमेंडमेंट आ ऐ वडी गाल उन का पो तो यो जो को बिल है यो सिर्फ सेनेट में पास थो कौमी असेंबली में न पास थो लगे तो पास थो भी कौन इन करे जो उते जिन आंदो उनन जी जेका है सा अक्सरियत ना है। तो छा जो बिल ऑलरेडी पयो है इनके ही पास थे घुर्ज या डॉक्यूमेंट्री में मुतासिर थी करो नयो कानून ठाण घुर्ज जी? थैंक्स टू शर्मीन उबैद पुछी बाबा को कानून वानून पो तो कोई स्टेज से पूरी ब्रीफिंग वी गन तो शायद अगते हली उनके का एम्बेरसमेंट न थे पर गाल या है तो जैस तीन मुझे अंडरस्टैंडिंग है तो कानून पे कौमी असेंबली में वो वही फर्दर वो है सीनेट में उतां पास थी पूरी कानून की शक्ल ने हने की ही पेनी सेनेट में वे 2014 में वींदो हां यो अन्या हले पे उनका पोई बस अन्या वजीर आजम साहब चंद अन्या वरी इन टो एकलो कानून थांदो पर दिसो ने 18th अमेंडमेंट को पो त हाने सूबा खुद मुख्तियार है इन्हीं करे सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट असेंबली जे का है वा उन तमाम घणा इनिशिएटिव्स वरता है ने सुठा हने काफी आना कानून असा वटे उन जी हाने कमी एतरी कोने पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। तुम जै शुरू शुरू में ही जी रूल्स ऑफ बिजनेस तो वो कानून ये पे लटक मानून को विसरी छोकरिन जो शादी अज भी 13 साल की उम्र में थी थन पी अज भी उनके रुकावट कोई को छो तो अना पूरी तरह उनको अमल बिल्कुल एफर्ट्स जी वा था वन वे सब बेकार था थन सो इन करे इन गाल जी जरूरत आ कानून ठहे रूल्स ऑफ बिजनेस चाहे इंप्लीमेंट भी थे अवेयरनेस भी थे खबर हो जे कंसर्न पार्टीज इन पुलिस आ है जुडिशरी आ है ए मानु जे के उनन ताई या किसो पहुंचन खपे तो बेली अगते जे के ताई ये शादी करायो तो कोर्ट भी अंदर
त घोट जो पी बि अंदर त ॼाणी बि अंदर बि अंदर ॼाणी बि न हुजे मौलवी अंदर मौलवीअ खे जॾहिं तव्हां ॿिनि टिनि खे पकड़ियो तॾहिं ख़बर पवंदी इलाही महिरबानी तव्हां सभिनि जी प्रोग्राम में अचण जे लाइ नाज़रीन कारोकारी जहिड़ी कुदी रस्म खे ख़तमु करण लाइ असांखे पंहिंजो किरदारु अदा करिणो पवंदो जेको माण्हू गैरत जे नाले में अहिड़ो जीअं आपा चयो त बेगरती जो कमु करे थो त असांखे उनखे निधणु घुरिजे उनखे बि चवणु घुरिजे त तो ग़लति कयो आहे इहो को गैरत जो कमु कोन्हे उन खां अलावा असांजा इदारा असांजी असेंबली ऐं असांजी हुकूमत खे बि संजीदा थी ऐं इन्हनि कानूननि खे जेको नया कानून बि आणणा पवंदा ऐं जेके कानून आहिनि उन्हनि ते अमल दरामद बि करिणो पवंदो उन खां पोइ ई असां इन क्राइम खे रोके सघूं था ईंदड़ प्रोग्राम में कंहिं ॿिए टॉपिक सां जेसिताईं ॾींदा इजाज़त अलाह वाई